देखें भाई, ये बीम लग गया यहाँ पे अब, और इधर मशीन जो है ना इन भागों को मिक्स कर रही है, और इधर कपड़ा बन रहा है, ये देखिए ये कपड़ा बनता जा रहा है, और इधर भी लेडीज़ ड्रेसेस भी पड़े हैं, ये देखिए यहाँ पे बड़े प्यारे सूट हैं माशाल्लाह लेडीज़। भाई एक सूट खोल के दिखाया ना, कोई ज़बरदस्त था जो आपका मास्टरपीस हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई अभी अभी मैं पहुँचा हुआ हूँ कमालिया। इधर अंकल जी हैं, मतलब मेरे ससुर, पीछे किरण, और इधर मेरे साला साहब, छोटे साला साहब। किरण मैके आई हुई थी आपको पता है, तो अभी उसको लेने के लिए आया हूँ। लेकिन भाई मैंने यहाँ सुना हुआ है कि कमालिया का खद्दर जो है ना बहुत ही मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है ये वाला खद्दर। तो मैंने कहा भाई आज विजिट करते हैं, कहाँ पे खद्दर बनता है, कैसे बिकता है, कैसे नज़र आता है, कैसी मशीनें हैं, और साथ में मैं आपको भी दिखाऊँगा कि ये कैसे बनता है। तो चलें फिर, तैयार है सब? तो चलें भाई, चलते हैं। अभी आपको भी दिखाते हैं कि कमालिया का खद्दर क्यों मशहूर है, कैसे बनता है, और किस तरह का नज़र आता है। शायद काफ़ी लोगों ने तो देखा होगा, लेकिन काफ़ी हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमालिया का खद्दर नहीं देखा हुआ और बनते हुए भी नहीं देखा। तो आज सारा प्रोसीजर जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा भी वैसे शौक था कि मैं भी जाके देखूँ, तो चलो आज मेरा भी शौक पूरा हो जाएगा और साथ में आप भी देख लेंगे। तो भैया अभी गाड़ी स्टार्ट ही की थी, तो वो सामने देखें भाई, कभी ने काम ख़राब कर दिया, सारा शीशा जो है ना वो भी ड्राइवर वाली साइड पे ख़राब किया उसने। इसको साफ़ कर लेते हैं, वो कपड़ा गीला करके ला रहा है। वैसे लग तो सही गया है, इसे नज़र नहीं लगेगी। तो भाई हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर वो लूमें लगी हुई हैं मशीनें, उन लोगों से हमने पहले बात कर ली थी कि हमें विज़िट करवाएँ, तो उन्होंने कहा भाई हम आपको विज़िट करवाएँगे। मौसम भी कुछ हद तक बेहतर बना हुआ है, गर्मी की इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं है, बादल वगैरह ऊपर घूम रहे हैं, कभी बादल आ जाते हैं तो कभी धूप आ जाती है। तो अभी भाई ये दुकान पे पहुंच गए हैं। वैसे हमारी शादी की जो शॉपिंग है वो भी हमने यहाँ से की थी, मतलब मेरे ससुराल वालों ने यहाँ से शॉपिंग की थी, तो इन्हीं की वो वाली मिल है जहाँ पे खद्दर बनता है। तो भाई ये देखें माशाल्लाह दुकान इनकी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे भाई कपड़ा पड़ा है सारा खद्दर का है, ये देखें इधर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। यहाँ तो भाई ऐसे लगता है जैसे रुल रहा है, ढेर लगे पड़े हैं। इनकी असल में अपनी मिल है ना, तो इस वजह से ना यहाँ पे इन्होंने अपनी दुकान पे ढेर लगा के रखा हुआ है। ये इधर देखें, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, बड़ा फेमस है कमालिया का खद्दर। ये तो बड़ा मोटा कपड़ा, ये सर्दियों वाला बड़ा भाई कमाल का स्टफ है। ये सर्दियों में ऐसा कपड़ा पहना जाए ना, मैं कहता हूँ सर्दी नहीं लगेगी। मैंने सच में पहली दफ़ा ऐसा खद्दर देखा है जो इतना ज़्यादा मोटा है, और बहुत ही प्यारा कपड़ा है ये वाला। वैसे दुकानों वगैरह से तो हम पहले लेते थे खद्दर, लेकिन इस जैसा खद्दर आज तक मैंने नहीं देखा। मैं तो समझता था बस नॉर्मली होता है, लेकिन भाई सर्दियों का काफ़ी मोटा होता है और गर्मियों का इस तरह से पतला होता है। ये मेरे ख्याल में गर्मियों वाला पड़ा है। तो ये देखें भाई माशाल्लाह कलर कितने प्यारे हैं सारे, इधर देखें बड़े ज़बरदस्त कलर हैं। इंशाल्लाह आज हम इनकी मिल भी विज़िट करेंगे और वहाँ पर फिर सारी चीज़ें देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और इधर भी लेडीज़ ड्रेसेस भी पड़े हैं, ये देखें यहाँ पे बड़े प्यारे सूट हैं माशाल्लाह लेडीज़। भाई एक सूट खोल के दिखाया ना, कोई ज़बरदस्त था जो आपका मास्टरपीस हो, ये देखिए क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई चीज़ नज़र आती है, बड़ा खूबसूरत ड्रेस है ये वाला। ये कमीज़, ट्राउज़र और ये वाला दुपट्टा। भाई ने कहा कि 10 मिनट वेट कर लें, थोड़ा सा काम है उनको, उसके बाद वो हमें मिल लेके जाएंगे। यहाँ सारी चीज़ें देख के ना मैं तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। बारीक ही सेल हो रहा है। हाँ, तो बाद कह लो कि स्टार्टिंग तो मोटे भी हो गई है, उनका स्टॉक शुरू हो गया वा हूँ, तो बारीक की क्लोजिंग हो रही है। गर्मियाँ खत्म हो रही हैं 2-1 महीने से, हाँ हूँ तो नमक कपड़ा भी नहीं बढ़ाते होने, फिलहाल सर्दियाँ ही चले। फिलहाल ये सारा भाई जो है ना गर्मियों का पड़ा है, ये फ्रंट पे, बैक पे सर्दियों का अभी तक रखा हुआ है। खूबसूरत कलर पड़े हैं ये वाले ना, ऐसा तो मैंने पहले भी लिया आपकी तरफ से गिफ्ट था। वो ऊपर कलर देखें, लाइट लाइट जो कलर पड़े हैं ना काफ़ी खूबसूरत है। ये वाला सारा जो यहाँ पे खद्दर का कपड़ा पड़ा है, ये तो भाई बना हुआ है मशीन पे, लेकिन अभी भाई जो है ना मैं दिखाने जा रहे हैं खड्डी का, खड्डी का बोलते हैं ना जी, हैंडमेड। ये हैंडमेड होता है, तो ये वाला वो कपड़ा है भाई हैंडमेड, ओरिजिनल होता है ये वाला, ओरिजिनल खद्दर इसको बोलते हैं। तो ये सर्दियों के लिए जी, ये सिर्फ सर्दियों में यूज होता है। और भाई ये देखें काफ़ी मोटा कपड़ा है और ये हाथ से बना हुआ है, ये सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल होता है। कलर भी इसका काफ़ी प्यारा है, चादर लेने की जरूरत बिल्कुल भाई, ये सूट बनवाया हुआ है ना तो वजनी काफ़ी है।
काफी वजन है इसका, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, माया वगैरह लगी होती इसके धागे क्योंकि ये हो जाए पास वाला या गोभी का सा शावर लगाएं इसे। नहीं नहीं, गोभी की जरूरत नहीं, घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा शावर लगाएं, जैसे मर्जी से प्रेस करें, कोई इशू नहीं इसका। भाई बड़ी कमाल की चीज है। सर्दियों में कि अगर गर्मियों में अक्सर यूज करते हैं कस्टमर, लेकिन गर्मियों में ना अक्सर ये ठंडा हो जाता है, इसको धुआं लगती है क्योंकि सूती कपड़ा है। सर्दियों में वैसे ये गर्मैश करता है। ओरिजिनल कलर तो कैमल ही है। हाँ, बाकी सारे डाईशुदा कलर आ जाते हैं। तो भाई कह रहे हैं कि ये वाला जो कलर है ना, ये ओरिजिनल यही होता है, और इसके बाद जो बाकी कलर्स होते हैं ना, वो डाई किए गए होते हैं, वो बाद में उनको कलर किया जाता है। तो ये देखिए इस तरह से है ये वाला। ये एक सूट कितने में पड़ता है ये वाला? ये एक सूट तकरीबन जो हम परचून में सेल कर रहे हैं तकरीबन 8,500 का कर रहे हैं। अच्छा, इसका होलसेल है, बंडल रेट जैसे हम होलसेल में सेल करते हैं वो इसका बनेगा 6,500। तो ये भाई महंगा है फिर, हाथ के साथ बना हुआ है ना, ये महंगा है। जो बाकी भाई कपड़ा पड़ा है ना, वो भाई कह रहे हैं कि 600 से तकरीबन स्टार्ट होता है। और कहाँ तक जाता है फिर मैक्सिमम? तकरीबन अगर गर्मी के लिहाज से देखा जाए तो फिर 2600 का भी सूट है, 2800 का भी सूट है। दी एंड जो रेट होता है ना वो 3500 है लास्ट, 3500 जो गर्मियों में यूज होता है। अगर सर्दियों के लिहाज से देखा जाए फिर उसमें ये चीज आ जाती है 7,000-8,000 तक चले जाते हैं। स्टार्टिंग उसकी भी 650 यूज, सर्दियों में भी 650 से स्टार्ट, गर्मियों में 650 वाला है। इस टाइम आपके पास कौन सा सूट पड़ा है? कम से कम प्राइस वाला वो भी देख लेते हैं, और मैक्सिमम जो प्राइस है वो भी देख लेते हैं कि वो कैसा है, फर्क का पता चल जाएगा। ये देखेंगे ये स्टाफ 650 का भाई सूट है, गर्मियों के लिहाज से ये बरीक कपड़ा है। स्टफ जो है माशाल्लाह काफी प्यारा है, बहुत सस्ता सूट है ये वाला, सच में अच्छी चीज है और सस्ता सूट है। गर्मियों में जो सबसे फाइन क्वालिटी है ये वाली जी, ये जो फाइनल रेट वो 400 रुपये मीटर, 2,800 रुपये का सूट है, 2,800 का सूट। तो ये देखें, ये ऑफ वाइट कलर है और काफी ज्यादा प्यारा है, ਐ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਈਨ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਇਹ 2,800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ। ਬਈ ਦੇਖ ਲੈ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਜੋ ਨਾ 650 ਰੁਪਏ ਫੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਹਮ ਦੁਕਾਨੋਂ ਪੇ ਜਾਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੀ 650 ਕਾ ਮਿਲਤਾ। ਕਮਾਲੀਆ ਬਈ ਖੱਦਰ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਈ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਕਾ ਖੱਦਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਈ ਅਭੀ ਵੋ ਬਈ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਸਾਥ ਹਮਨੇ ਜਾਣਾ ਥਾ, ਵੋ ਬਾਈਕ ਪੇ ਸਾਹਮਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, वो ग्रीन से ड्रेस में जो है इनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये देखें भाई, मिल हम पहुंच चुके हैं, खद्दर की मिल। और ये भाई मिल की जो लोकेशन है ना, शहर से बाहर की तरफ है, अच्छी बात है, शहर की बाहर की तरफ ही होनी चाहिए। और यहाँ का माहौल कुछ इस तरह से है भाई, शोर तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी भाई जो है ना हमें बताएँगे कि यहाँ पर कपड़ा कैसे बनता है। अभी भाई जाना है उस बंदे के पास जो हमें गाइड करेगा, शोर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ये मिल चल रही है, अब आवाज़ और शोर काफ़ी ज़्यादा है, पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही। तो भाई हमें मिल गए हैं जिन्होंने हमें गाइड करना है, तो ये अब हमें स्टेप वाइज बताएंगे कि कैसे काम स्टार्ट होता है इसका और एंड पे कपड़ा कैसे बनता है। तो चलें भाई, बोरे अच्छी यहाँ पे भाई इन्होंने बोरे रखे हुए हैं। किस चीज़ के बोरे हैं भाई? ये खद्दर के, खद्दर के, अब देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखें भाई, ये धागा बना हुआ है इस तरह का। आपके पास धागा नहीं बनता? धागा फैसलाबाद। अच्छा, धागा फैसलाबाद से बन के आता है। ये देखें अलहदा अलहदा कलर सारे। अच्छा, ये कलर अलहदा अलहदे हैं, ये इस तरह कैमल कलर है और ये कुछ और कलर है। कलर आप सारे देख ही सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी कलर पड़े हैं और इधर ये देखें, ये भी कलर पड़े हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं? ग्रे। इसको ग्रे नहीं, नहीं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं ये जो बना हुआ है? ये कौन है? कौन, कौन बोलते हैं इसको भाई? ये कौन बनी हुई है, इसके ऊपर आपको सारा धागा नज़र आ रहा है। ये जी, तो यहाँ सारे बोरे आए पड़े हैं धागे वाले, और आगे चलते हैं फिर। इसी इधर ही तैयार होता है ये। अच्छा, इधर बीम बनता है इधर। अच्छा, कैसे बीम कैसे बनता है? और इधर से लगाना, फिर वहाँ पे इसके ऊपर लपेट लेते हैं सारा धागा। एक ही कलर का जो सारा धागा होगा वो आप उसके ऊपर लपेट लेंगे। अच्छा जी, उसको लपेट तो बाद फिर बीम खाली से लपेटा जाता। अच्छा, जिनी सू लंबाई चाहिए फिर उसे लपेटा जाता बीम से। ये वाले खाली बीम पड़े हैं।
और ये फिर भरे हुए हैं, इसके ऊपर धागा जो लपेट दिया, भर्ती करन दे, भर्ती के बाद मशीन पे जाना। सही है, अब इसकी समझ नहीं आ रही। ये दो धागे मिक्स किए हुए हैं, किनारा है। अच्छा, ये किनारे के लिए धागा लगाया हुआ, मतलब जिस तरह से कपड़ा बनाना होता है ना उसके हिसाब से धागा लपेट लिया जाता है इस बीम के ऊपर। पहले वो आपको चरखी से दिखाइए, पहले उसके ऊपर लपेटते हैं और फिर इन बीम के ऊपर लपेटते हैं। सही हो गया। तो आप देखें, ये एक दफ़ा उनको वो तरतीब लगा रहे हैं ऐसे ही ना, हाथ के साथ तरतीब लगा के फिर मशीन पर लगा देंगे। ये इन्होंने बीम बना दिया, उसको उन्होंने वो धागों को ना मिक्स कर दिया, वो जो तरतीब बनाते हैं उस तरतीब में लगा दिया ये यहाँ पर। इधर देखें भाई, ये बीम लग गया यहाँ पे अब, और इधर मशीन जो है ना इन धागों को मिक्स कर रही है, और इधर कपड़ा बन रहा है, ये कपड़ा बनता जा रहा है। और ऐसा ही सूट मेरे पास है, सारी मशीनें चल रही हैं इसी तरह। ये है वेंडर। अच्छा, उधर नलियाँ करते हैं। तो ये किस लिए इस्तेमाल होती है? कपड़े वास्ते। अच्छा, जो चलता ना फिर। हाँ हाँ, ऊपर जो चल रहा होता है। सही सही सही। यहाँ पे भरते हैं भाई नलियाँ, किस जगह पूरी मशीनें लगी हुई हैं और कहाँ नलियाँ लगाई हुई हैं ये देखो, जहाँ इनको लगाते हैं और ये देखो, ये इधर चलता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? शटल बोलते हैं। शटल, ये अंदर घूमती रहती है। ये ये ये, ये चल रही है, वाह वाह, ये चलना स्टार्ट हो गया। पहले भाई ये वाला काम जो है ना हाथ के साथ किया जाता था, ये मैंने देखा हुआ है हाथ के साथ करते हुए भी, लेकिन अब ये मशीन के साथ करते हैं। तो मशीन पे फिर जाहिर है भाई कपड़ा जो है ना तेज़ बनता है, और कपड़ा जो है ना इधर लपेटा जा रहा है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये चल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ी थोड़ी मूविंग इसकी। और इधर देखिए भाई, यहाँ पे कपड़े के थान जो है ना तैयार हुए पड़े हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये एक थान मशीन कितनी देर में तैयार करती है? 24 घंटे में, 24 घंटे मशीन चलती है। और भाई इस तरह का एक थान तैयार होता है एक मशीन, तो ये 100-150 के करीब मशीनें हैं। बाकी बंद क्यों है? बिजली का करके महंगी बहुत है और हालात ख़राब हुआ। तो अल्लाह खैर करे, हालात ठीक हो जाए। तो अभी भाई जो है ना हमें मज़ीद कपड़ा दिखाने जा रहे हैं जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये देखें, यहाँ पे थान तैयार हुए पड़े हैं, बड़े प्यारे प्यारे कलर हैं यहाँ पे। ये सर्दियों का तैयार हो रहा है ना सारा, ये सारा कपड़ा सर्दियों का तैयार हो रहा है। गर्मियों का कपड़ा जो है ना अभी इन्होंने तैयार करना बंद कर दिया है, क्योंकि गर्मियाँ जो है ना ख़त्म होने के करीब हैं, 1.5-2 महीने रहते हैं, तो पहले वाला स्टाफ जो है ना वही काफ़ी रहेगा इतनी देर में। तो ये देखें, यहाँ पर कपड़ा हमारा तैयार हो गया है माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो चले भाई, बस इतने ही। चले, थैंक यू सो मच। चले भाई, शौक था मेरा, मैंने देख लिया, मज़ा आया वैसे, कपड़ा भी देख के, मशीनें भी देख के। भाई रास्ता जो है ना काफ़ी ख़राब था, इसी रास्ते से हम आए भी हैं और वापस भी जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। यहाँ खड्डा भी काफ़ी बड़ा है। अभी हम वापसी निकल आए हैं घर के लिए, और माशाल्लाह भाई किरण की क्लासेस हो चुकी हैं। सुनाओ भाई, कैसी रही तुम्हारी क्लासेस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मुझे तो डर था, मतलब मेरा काफ़ी लॉस हो चुका हुआ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा क्लासेस मिस हो गई थी। अच्छा, लेकिन शुक्र है बच बचाओगे। सामने से भाई धूप भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, बिल्कुल सूरज सामने है। तो पहले तो भाई ये थोड़ा नीचे करते हैं, बिल्कुल आँखों में सूरज जा रहा है। रास्ते में आते आते ही ना किरण की हो गई है तबीयत ख़राब, बुखार, सर दर्द और नज़ला ज़ुकाम जो है ना शुरू हो गया है। मैंने तो कहा है भाई रास्ते में ही डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं, लेकिन कहती है नहीं नहीं अभी नहीं, वो अपने गांव के पास ही एक डॉक्टर है तो उसको चेक करवाते जाएंगे अब लाजमी, नहीं तो अम्मा ने घर घुसने ही नहीं देना। अम्मा ने कहा डॉक्टर के पास से गुजर के आया हो तो चेक क्यों नहीं करवाया? तबीयत का बताओ कैसी है? अभी काफी खराब लग रही है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, सर में बहुत ज्यादा दर्द है, फीवर भी। अल्लाह खैर करे। जब कॉलेज में थी ना तभी फील हो रहा था, तबीयत बहुत ज्यादा खराब महसूस हो रही थी। गर्मी वगैरह लगी है ना, तो गर्मी की वजह से, और आजकल वैसे ही सावन का मौसम है तो
तो सावन के मौसम में फिर मलेरिया वगैरह आम होता है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।